दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय O2IAS अकेडमी चंडीगढ़। अब घर बैठे ही करें IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी। O2IAS अकेडमी की आपके साथ ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं। साहित्यिक संस्था कलाकार एवं लेखक मंच डलहौजी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी दिवस के उपलक्ष्य में एक हेरिटेज वॉक द्वितीय चरण का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त चंबा DC राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि SDM जगन ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डलहौजी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर कैप्टन GS ढिल्लों ने की। उक्त हेरिटेज वॉक मेहर होटल गांधी चौक से शुरू होकर पंचपुरा स्थित स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह के समाधि स्थल पर संपन्न हुई, जहां मुख्य अतिथि DC राणा, विशेष अतिथि जगन ठाकुर, डॉक्टर कैप्टन GS ढिल्लों आदि ने सरदार अजीत सिंह की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के शहीदों को नमन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होके मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सरदार अजीत सिंह जी की समाधि पे मैं जब यहाँ डलहौजी में पोस्टेड था तो इस कार्यक्रम का हिस्सा रहता था और इस कार्यक्रम को कलम डलहौजी और डलहौजी पब्लिक स्कूल विशेषकर स्थानीय लोगों के सहयोग से बहुत अच्छी तरह से और बड़े शिद्दत के साथ, बड़े जुनून के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करते थे। और बहुत खुशी की बात है कि ये कार्यक्रम उसी स्वरूप में और बेहतर स्वरूप में और ज़्यादा अच्छे स्वरूप में चला हुआ है और इसकी सभी जो है इसका हिस्सा बनते हैं। आज़ादी के एक दिन पहले सरदार अजीत सिंह जी इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित किया और उनका जो मैं पढ़ रहा था उनके बारे में कि उनको इस बात का भी बहुत गम था कि देश को आज़ादी तो मिल गई लेकिन देश का विभाजन भी हो गया। आज हम सभी जानते हैं कि आज जो आज़ादी का जो हॉरर, आज़ादी के पार्टीशन का जो हॉरर था, जिस तरह से हमें आज़ादी मिली उसका भी आज रिमेम्बरेंस डे है। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है और मुझे लगता है कि हमें ये भी आज याद करने की आवश्यकता है कि हमें जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उनमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन मिसेज अलावत ने बहुत सारे ऐसे नामों की जिक्र किया आज, महिलाओं का विशेषकर जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया। और ऐसे सैकड़ों अनगिनत देशभक्त थे, आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया। NBT के माध्यम से भारत सरकार ने इस तरह की एक सीरीज शुरू की है और वो जब भी आप NBT के स्टॉल में जाएं, बुकशॉप्स में जाएं, वो किताबें हमें उपलब्ध होती हैं और मुझे लगता है नई पीढ़ी को, बच्चों को उसको जानने की ज़रूरत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले एक साल में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मनाए हैं और उसका मुझे लगता है आखिरी कार्यक्रम जो है वो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, जिसके उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम के साथ उसको भी शामिल किया गया। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। हर घर पे तिरंगा पहनाया जाए, हर घर पे तिरंगा उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बड़ा एक अभियान पूरे देश में। दिव्य हिमाचल TV के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।